और बात इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज भी कर लेंगे। ब्रेकिंग न्यूज सामने ये आ रही है कि अनिल बलूनी चुनाव लड़ेंगे और उनका नामांकन भी दाखिल करा दिया गया है। अनिल बलूनी से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अनिल बलूनी ने नामांकन दाखिल कर दिया है लोकसभा चुनाव के लिए। नामांकन अनिल बलूनी की ओर से दाखिल कर दिया गया है। गढ़वाल सीट से प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी। अनिल बलूनी ने अपना नामांकन दाखिल किया और लोकसभा चुनाव अब वो लड़ेंगे। और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, साथ में आपको स्मृति ईरानी दिखाई दे रही हैं। और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब की बार उत्तराखंड को लेकर भी किस तरीके से बीजेपी सीरियस दिखाई दे रही है। 5 लोकसभा सीटें हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन अनिल बलूनी की ओर से दाखिल किया गया है। गढ़वाल सीट से चुनावी मैदान में अनिल बलूनी को उतारा गया है बीजेपी ने। आपको बताएं कि अब तक तमाम जो उत्तराखंड के नेता रहे हैं उनमें कई चेहरों को अब की बार बदला गया है, लेकिन अनिल बलूनी पर दांव खेला अब की बार जा रहा है। वो इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि एक सशक्त नेता के तौर पर इस वक्त उभरे हैं। और आपने अगर पुष्कर सिंह धामी को भी कहते हुए सुना होगा तो कई बार संकेत पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी दिए गए हैं कि अनिल बलूनी को चुनावी मैदान से उतारा जा सकता है। हालांकि ये बात साफ नहीं हो पा रही थी कि गढ़वाल से, कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि गढ़वाल से ही उतारा जाएगा, लेकिन स्थिति इस वक्त साफ हो गई है कि गढ़वाल से ही चुनावी मैदान में अनिल बलूनी को उतारा गया है। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये नामांकन के पहले की है, जबकि नामांकन भरने रोड शो स्मृति ईरानी की मौजूदगी में अनिल बलूनी रोड शो कर रहे थे और उसके बाद उन्हीं की मौजूदगी में अनिल बलूनी ने अपना नामांकन भी दाखिल किया है और गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी चुनावी मैदान में उतरेंगे। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अनिल बलूनी ने एक तरफ नामांकन भरा है, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री उनके साथ मौजूद थी, जबकि नामांकन भरने से पहले गढ़वाल इलाके में जहां से अनिल बलूनी को उतारा जाना है चुनावी मैदान में उतरे हैं, वहां पर रोड शो करते हुए चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ अनिल बलूनी तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में। गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी के प्रत्याशी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने आज तमाम मंत्रियों विधायकों की मौजूदगी में अपना नॉमिनेशन फाइल किया। हमारे साथ अनिल बलूनी मौजूद हैं। सर, इस दौरान हमने देखा कि आप गांव-गांव घूम के आए, ग्राउंड लेवल पर आपने लोगों से बातचीत की, क्या कुछ आपको लगता है? देखिए, बहुत स्पष्टता से दिख रहा है कि जनता ने चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है और जनता अब चुनाव जिताने पे लग गई है। अब जब चुनाव जनता लड़ती है और चुनाव प्रचार जनता करती है तो किस तरह का माहौल होता है आप सब जानते हैं। हमने अपने जीवन काल में इस प्रकार का माहौल इससे पहले कभी किसी चुनाव में नहीं देखा कि जनता खुद अग्रसर होकर और चुनाव जिताने के लिए लग गई है। पूरे देश के अंदर मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने की, देश के अंदर जो विकास की भूख है और बढ़ रही है, और निश्चित तौर पर ये जो आने वाला 5 साल है इसमें एक नया भारत आप देखेंगे, विश्व में सबसे मजबूत भारत आप देखेंगे और बहुत ही मजबूत गढ़वाल और मजबूत उत्तराखंड आप लोग आने वाले 5 सालों में देखेंगे।